जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइन पर। मोगांव झिल्पी तालाब में युवकों ने चलाया स्वच्छता अभियान। तहसील के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मोगांव झिल्पी तालाब परिसर में विविध संगठन और युवकों ने रविवार को स्वच्छता अभियान चलाया। श्रमदान कर तालाब परिसर में फैली गंदगी और कचरे को स्वच्छ किया गया। परिसर में स्वच्छता के बारे में जन जागृति की गई। प्रमुख अतिथि हिंगना पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक पांडुरंग जाधव थे। रविवार सुबह 8 बजे से सभी युवकों ने मिलकर तालाब का पूरा परिसर साफ किया। सफाई के दौरान तालाब परिसर में बड़े पैमाने पर शराब की बोतल पाई गई, साथ ही 35 पैक कचरा जमा कर नगर पंचायत हिंगना के कचरा संकलन गाड़ी से ले जाया गया। अगली खबर, पानीपुरी वालों पर FDA की नजर। हाल ही में पानीपुरी खाने से 2 नर्स की तबीयत खराब होने का मामला सामने आया था, जिसमें एक की मौत हो गई थी। इसके बाद शहर में हाट ठेला लगाकर खाद्य पदार्थ बेचने वालों के प्रति अन्न व औषधि विभाग सतर्क हो गया है। लगातार खाद्य पदार्थ विक्रेताओं की समय समय पर जांच हो रही है। मुख्यतः पानीपुरी बेचने वालों पर FDA की नजर है। गत सप्ताह भर शहर में 51 पानीपुरी ठेलों की जांच हुई है, जिसमें कुछ तो दोषी पाए जाते हैं। कार्रवाई भी की जा रही है। इसमें आधे से ज्यादा हाट ठेला चालकों ने पंजीयन भी नहीं किया था। नागपुर शहर को स्ट्रीट फूड का शौकीन भी कहा जा सकता है। शहर में हर जगह विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बेचने वाले नजर आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा समोसा, आलू बोंडा, पोहा व पानीपुरी बेचने वाले हैं। नियमानुसार इन खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। सबसे पहले इन्हें FDA में पंजीयन कराना है। इसके बाद अन्न व औषधि विभाग की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों पर ही खाद्य पदार्थ बेचना है। इसमें ठेले की सफाई से लेकर बेचने वाले की स्वास्थ्य जांच आदि भी शामिल है। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहो और देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार।